पठानकोट का सिविल हस्पताल जिथे पठानकोट ही नहीं बल्कि नाल लगते राज हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लोग भी इलाज करवाने लिए इत्थे आउंदे ने, पर हुण हस्पताल खुद ही बीमार नजर आ रहा है। इस बीमारी का कारण है सिविल हस्पताल विच डाक्टर की कमी होना। डाक्टर की कमी के चलते लोगों नू निजी हस्पतालों विच जाना पै रहा है, जिसका असर सीधे तौर पर लोगों की जेब ते पै रहा है। जे गल की जाए मशीनरी की, तो हस्पताल विच कुछ मशीनों की कमी है और जो मशीन ने उन्होंने चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, जिस कारण लोगों नू बाहर ज़्यादा पैसे दे के अल्ट्रासाउंड करवाना पै रहा है। इस बारे जो स्थानक लोगों नाल गल की उन्हें कहा कि सेहत विभाग को इस पासे ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए है, ताकि शहर वासियों को कुछ राहत मिल सके। पठानकोट सिविल हॉस्पिटल जिहड़ा कि अपने हिमाचल और जे एंड के दे स्टेटां जिहड़ियां नाल लगदियां उन्होंने भी सूट करता है। पठानकोट का अपना एरिया जिहड़ा 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का एरिया उन्होंने भी सब तो वड्डा हॉस्पिटल जिहड़ा है सिविल हॉस्पिटल पठानकोट ही पैंदा। हालांकि पठानकोट सिविल हॉस्पिटल दे विच मशीनरी जिस तरह एक्सरा या होर मशीनां हैगियां, पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी जिहड़ी है उत्थे काफ़ी घट कई बारी देखने को मिलती है। फैसिलिटी का फायदा ता ही है अगर उन्होंने इक्यूपमेंट चलाने वास्ते साडे को एक्सपर्ट बंदे होणगे डॉक्टर होणगे। और मैं प्रशासन नूं मांग करना कि फैसिलिटी का आम पब्लिक तक फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि अज की डेट दे विच एक आम बंदे नूं प्राइवेट हॉस्पिटल च जाके अपना इलाज कराना बहुत महंगा पैंदा है। सरकार की फैसिलिटी है इनू अगर इतने फैसिलिटी यूज करने वास्ते इनू टैक्नीशियन चाहिए जो डॉक्टर एक्सपर्ट जो बंदे ने अगर सही इतने पहुंचाए जाएंगे इतने इंप्लीमेंट किए जा बंदे इतने लगाए जाएंगे डॉक्टर इतने लगाए जाएंगे तो मैं कहना भी एक आम पब्लिक जरा पैसा भी बचा होगा और उन्होंने जी परेशानी होंगी है वह भी काफी हद तक हल होगी। लगभग चल ही रहा है क्योंकि इतने जो मशीन है तो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर होंगे तो मशीन नहीं होंगे, मशीन खराब रही हूँ। जिस तरह अल्ट्रासाउंड की मशीन है पर रेडियोलॉजिस्ट का डॉक्टर है नहीं, पहले डॉक्टर ही तो मशीन खराब है, हस्पताल दे SMO ने कहा कि हस्पताल विच डॉक्टरां दी कमी है अते नाल ही कुछ मशीनां भी नहीं हन। जदके पठानकोट दे सिविल हस्पताल विच सिर्फ पठानकोट ही नहीं बल्कि नाल लगदे राज हिमाचल अते जम्मू कश्मीर दे लोग भी इलाज करवाउण लई आउंदे ने। उन्हां कहा कि इस बारे विभाग नूं लिखिया जा चुकिया अते विधायक दे ध्यान विच भी इस समस्या नूं लियांदा जा चुकिया है। उम्मीद है जल्दी ही हस्पताल विच डाक्टरां दी कमी नूं पूरा कीता जाएगा। सिविल हस्पताल पठानकोट दा कम काफी वध चुका है और इस करके असीं MLA साहब नूं कहा सी मैं उप्पर तों असीं लिख के भेजिया कि जिवें एक जनरेटर की बड़ी जरूरत हैगी है और इस तो अलावा सानू CPAP मशीन्स की जरूरत है और इस तरह बाकी जिहड़ियां भी मशीन्स है जिहड़ियां साडे कोल एक दो दो भी मशीन्स असी चाहते हैं भी वह थोड़ी होर एक्सट्रा हो जाए ताकि साडा काम जिहड़ा वह वधिया तरीके नाल चलता रहे। इस बारे असी सरकार नूं लिख चुके हैं जिवें सानू ETP भी चाहिए हैगा जो लिक्विड वेस्ट नूं मैनेजमेंट करन लई और जिहड़ा मैं उम्मीद है कि बड़ी छेती ही सानू सारा कुछ मिल जाएगा। साडे कोल पठानकोट डिस्ट्रिक्ट तो अलावा बहुत सारे पेशेंट जिहड़े आ हिमाचल और J&K तो आते हैं क्योंकि नियर बाय एरिया साडा बॉर्डर एरिया होने करके और काफ़ी डिलीवरीज भी और नॉर्मल दूसरे पेशेंट्स भी जिहड़े है वो इन दोनों स्टेट्स तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर्स ही साडे कोल डेफिनेटली वी हैव गुड डॉक्टर्स लेकिन हाले साडे कोल जिवें एनेस्थेटिस्टिक चाहिए हैगा गायनेकोलॉजिस्ट एक या दो हो जाए स्किन स्पैशलिस्ट की जरूरत है रेडियोलॉजिस्ट बहुत अर्जेंटली चाहिए असं प्राइवेट बंद बुला के काम चला रहे हैं और इस तरह ही साडे कोल एक अद्धा जिहड़ा बच्चों के डॉक्टर भी एक होर हो जाए तो साडा काम जिहड़ा है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इस बारे असं लिख चुके हैं और साडे MLA साहब नूं भी असीं दित्ती हैगी और मेरा ख्याल है कि जो ही अपॉइंटमेंट्स होंदियां तो सानूं जरूर डॉक्टर्स मिलेंगे। पठानकोट तो लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट ATV न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ सब तो पहला अपने फोन पर वेखन लई साडा चैनल सबसक्राइब करो और नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ।